पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठबंधन और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। आयोजित कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित किया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को स्वार्थ के लिए गठजोड़ बताया और प्रियंका के राजनीति में उतरने पर कहा कि वे पहले ही सक्रिय थी, कोई चमत्कार नहीं कर पाई तो अब क्या कर पाएंगी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन मोदी सरकार से डर कर बना गठबंधन है। इसमें मुद्दों और एजेंडे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं है, ना ही कोई साझा कार्यक्रम जारी किया है। ये पिद्दी ना पिद्दी की दुम का शोरबा की तरह है। वहीं प्रियंका के सवाल पर कहा कि उन पर पद नहीं था लेकिन वे पहले भी सक्रिय रही तो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा मुश्किल है। कांग्रेस उन्हें लेकर मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर मौर्य ने कहा कि ये हमारी बड़ी जीत है, इससे देश दुनिया में भारत की सरकार और सेना का मान बढ़ा है। वहीं ममता बनर्जी के बालकोट हमले के सबूत के सवाल पर कुछ नहीं कहा। जिनका संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस संकल्प के तहत हमारा श्रमिक भाई कहीं पीछे न रह जाए, यह भी मुख्य विकास धारा, यह भी विकास की मुख्य धारा में खड़ा हो, हिस्सेदार बने और श्रमिकों को भी सिर ऊंचा उठाकर जीने का मौका मिले, इस बात का हमारा संकल्प है। तो आप सभी जानते हैं ये श्रमिक का जो बहुत बड़ा समूह बैठा हुआ है, ये देश का भाग्य विधाता है। राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि सारी विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देते हुए खूब पसीना बहाकर हड्डी तोड़ मेहनत कर झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं बनाने का काम करता है। जे की तत्ती दोपहरी हो, पुरुष माह की कड़की ठंड हो, या आषाढ़ का ढंड हो, बरसात हो, हर मौके पर ये अपने मेहनत और परिश्रम से राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इसलिए बहुत पहले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। उसमें एक नारा और मैं जोड़ना चाहता हूं, जय जवान जय किसान जय श्रमिक। यह है, क्योंकि जहां एक ओर में अपने भारतीय सेना को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, जो अपने जीवन को हथेलियों पर रखकर हम सबकी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, पूरे आंदोलन शान के लिए हंसते हंसते अपने को बलिदान कर देते हैं, लेकिन उफ नहीं करते, हम अपने भारतीय सेना को प्रणाम करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से किसान जो पूरे देश को रोटी देता है, हम उसे भी प्रणाम करते हैं। और ये श्रमिक मजदूर जो अपने पसीने से राज्य का निर्माण करता है, इस भाग्य विधाता को भी हम प्रणाम करते हैं। अभिनंदन जी का पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज सेना ने शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया है,
मिलने लगे, हम बता रहे हैं। उसके लिए मैं सेना को सलाम करता हूँ, लोग खाना वितरण शुरू करेंगे, अभिनंदन का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के शिकंजे में कसने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और पूरा दुनिया आज भारत के साथ खड़ा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत माँ का सिर झुकने नहीं देंगे। उन्होंने न केवल कहा था बल्कि करके दिखाया और पाकिस्तान को मजबूर किया, अभिनंदन को सकुशल भारत वापस करने के लिए मजबूर किया, और यही कारण है कि आज पूरा देश अभिनंदन के अभिनंदन में जश्न मना रहा है। सर, विपक्षी दल तो राजनीति भी कर रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा अपने कार्यक्रमों में ममता बनर्जी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाइए, हुआ ही नहीं है कुछ ऐसा है। मैं ऐसे मौके पर विरोधियों पर किसी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, अभिनंदन के अभिनंदन का दिन है, सारा देश अभिनंदन का अभिनंदन कर रहा है, हम भी अभिनंदन कर रहे हैं, और ऐसे मौके पर मैं पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज ऐसी संकट की घड़ी में शहीदों के साथ खड़े होकर पूरे भारत की जनता सड़कों पर उतर आई और साथ ही साथ अब जनपद प्रधानमंत्री को धूल चटाया और सेना ने शौर्य और बहादुरी का परिचय देकर के भारत का सिर ऊंचा किया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबी नजर रखते हैं आप, काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का एक गठबंधन बना है और उनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ा मुकाबला देंगे, क्या आप सोचते हैं इस गठबंधन? समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक नाकपाक गठबंधन है जो स्वार्थों पर आधारित है, जनता के हित से कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि इस गठबंधन में न कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है और न मुद्दों पर आधारित गठबंधन है। यह गठबंधन निहायत स्वार्थों का गठबंधन है। जब दोनों पार्टियों में बड़े पैमाने पर भगदड़ मची थी, मोदी जी की ताकत से भयभीत होकर के आज ये दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये गठबंधन भी हवा हवाई साबित होगा और इनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं लगेगा, न पिद्दी की शुरुआत, ये कुछ भी साबित नहीं होगा। प्रियंका गांधी भी आई, रही बात प्रियंका गांधी जी, ये पहले भी कांग्रेस में सक्रिय थी और साथ ही साथ केवल उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है, सक्रियता उनकी पहले भी रही है। जब पहले सक्रिय रह करके कांग्रेस में कोई चार चांद नहीं लगा पाई, तो अब कोई चार चांद लगने वाला नहीं है। कांग्रेस को मुंगरीलाल के सपने